पाकिस्तान के लोग बहुत दुखी हैं, दो वक्त रोटी समय खाने को है नहीं, ये कह रहे हैं कि मौका मिले तो देश छोड़ के चले जाएं। लाखों लोग जा भी चुके हैं और यही बात सीमा हैदर की भी है। जी हां, सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची में रहती थी, ग्रेटर नोएडा आके रहने लगी और आज यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन और भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वो हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। अपने घर पर उन्होंने भी तिरंगा फहराया। भारत को लेकर उनकी भक्ति जहां चर्चा में है, उनकी फिल्मों को लेकर यानी उनको लेकर जो फिल्म बनाई जा रही है जिसमें वो खुद काम करेंगी, उसको लेकर विवाद बढ़ गया है। सीमा हैदर ने कहा है कि उन्होंने फिल्म में काम करने पर अपनी मंजूरी अभी तक नहीं दी है। सिर पर माता की चुनरी, गले में तिरंगा, दिल में सचिन का प्यार और जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कहती है, उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में भी कोई गुरेज नहीं। और सीमा हैदर को जो ये नारे लगवा रहे हैं वो है चर्चित वकील एपी सिंह। एपी सिंह ने सीमा हैदर के घर जाकर उनकी छत पर तिरंगा फहराया और दावा किया कि भारत सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सीमा हैदर ने भी अपने घर पर तिरंगा लगाया है। लेकिन सीमा हैदर की कहानी तिरंगे का सम्मान और जिंदाबाद हिंदुस्तान से आगे अब सियासत में फंसती जा रही है। कराची टू पाकिस्तान फिल्म के प्रोड्यूसर से मुलाकात के वक्त सीमा हैदर ने फिल्म में भूमिका निभाने के लिए काफी रुचि दिखाई थी और अब सीमा हैदर कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझे पता भी नहीं था, हाँ एक सर ने हम कहकर वो आए थे तो हमें पता भी नहीं थी वो कौन है और उनको मैंने बहुत एहतराम करा, पांव भी छुए कि मुझे खुशी हो रही थी कि सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा कि एपी सर के नाम से ही कहा, थोड़ी सी उन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई कि हाँ जब नागरिकता क्लीन चिट के बाद ना मैंने कोई साइन करा है ना मैंने फिल्म के लिए हामी भरी, उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का नाम लिया, तभी मैंने इतनी सी उनके कहने पर वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी, मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो इनको पता ही नहीं थी तो उस मतलब धोखे से वो आए थे। और दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो ये बात मैं नहीं करना चाहूँगी, है कि नहीं है ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, अगर बोलूँगी तो मतलब नज़र लग जाती है तो इसे ये बात ना की जाए, ये मेरा निजी मामला है। सीमा हैदर के इनकार के बाद फिल्म निर्देशक अमित जानी क्या सीमा को अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन अमित जानी ने कराची टू नोएडा फिल्म समेत दो फिल्में और एक वेब सीरीज का नाम रजिस्टर करवा लिया है और उसमें से टेलर मर्डर की स्टोरी की शूटिंग भी चालू हो चुकी है। उधर राज ठाकरे की पार्टी के एक नेता अमय खोपकर ने ट्वीट कर लिखा है कि पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय फिल्म उद्योग में जगह नहीं मिलनी चाहिए, एमएनएस ने अमित जानी को फिल्म न बनाने की चेतावनी दी है और कार्रवाई के लिए तैयार रहने को भी।